दोस्तों मेरा नाम है नवनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिक मैच। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2020 का 19वें मुकाबले के बारे में आज एनालिसिस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हम पहले पहुँचाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉस से टॉस जीता आरसीबी ने किया फील्डिंग का फैसला। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ओपनिंग करने के लिए आए। पृथ्वी शॉ ने 23 बॉल 42 रन बनाए, शिखर धवन ने 28 बॉल 32 रन बनाए। नंबर तीन पर श्रेयस अय्यर आए लेकिन श्रेयस कुछ खास कर नहीं सके, 13 बॉल में 11 रन बनाए, एक चौका लगाया उन्होंने। ऋषभ पंत ने 25 बॉल में 37 रन की पारी खेली जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। मार्कस स्टोइनिस ने वो पारी खेली जिसके लिए वो जानी जाती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। 26 बॉल पर 53 रन बनाए, 203 के स्ट्राइक रेट से 6 चौके 2 छक्के मारे उन्होंने। सिमरन हेटमायर 7 बॉल 11 रन बना के नो डाउट रहे। इस तरीके से पूरी टीम ने दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 196 रन का विशाल इसको खड़ा किया। बात करें पार्टनरशिप की तो 68 रन की पार्टनरशिप हुई इन शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के बीच में, लेकिन जो ज़्यादा सबसे बड़ी जो खास बात रही वो 89 रन की पार्टनरशिप रही जो चौथे विकेट के लिए जो रही ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस के बीच। दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत अच्छा लग रहे थे दोनों। ऐसा लगा था शायद 200 बनेंगे लेकिन फिर भी चलो थोड़े से रन कम बने, लेकिन 196 बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि 196 रन 200 से केवल 4 रन पीछे हैं। 190 से जब भी ऊपर स्कोर होता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बॉलिंग की बात करें आरसीबी की तरफ से तो 4 ओवर 40 रन दिए ओदाना ने एक विकेट लेकर, मोसेंटर सुंदर ने 4 ओवर 20 रन दिए मात्र और बहुत अच्छे बॉलर रहे, वही सबसे सफल रहे क्योंकि विकेट उन्होंने जरूर नहीं मिली हो लेकिन 5 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए। नवदीप सैनी ने 3 ओवर 48 रन दिए। वहीं बात करें जो चहल की तो 3 ओवर में 29 रन दिए। मोहम्मद सिद्धार्थ ने 4 ओवर 34 रन देकर 2 विकेट। मोइन अली ने 2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट। इस तरीके से 196 रन बनाए 4 विकेट पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। लश्कर पिजा करने उतरी आरसीबी टीम की शुरुआत बहुत खराब रही। पर्टिकल जल्दी आउट हो गए, 6 बॉल में 4 रन बनाए पर्टिकल ने। फिंच लेमल दिखने देते थे, 14 बॉल में 13 रन बनाए फिंच ने। विराट कोहली ने 39 बॉल में 43 रन बनाए। थोड़ा संघर्ष जो किया लेकिन संघर्ष से कुछ होता नहीं है, जब आप टारगेट 197 का हो तो आपको अच्छी तरह की सहायता निभानी पड़ती है। ए बी डिविलियर्स 6 बॉल में 9 रन बना के आउट हो गया, जल्दबाजी कर दी बहुत ज़्यादा, पहले ही दूसरी बॉल से मारने छाट कर दिया था तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दबाजी करने चक्कर में आउट हुए। मोइन अली 13 बॉल में 11 रन बनाए, थोड़े संघर्ष सेव कर देते लेकिन कुछ फायदा होता नहीं है। जब आप संघर्ष इतना बहुत रन है, इतना संघर्ष करोगे कितना भी कर लो लेकिन आपको हार मिलना तय है। बॉस्टन सुंदर 11 बॉल में 17 रन बनाए। शिवम दुबे ने 12 बॉल में 11 रन बनाए, एक छक्का उन्होंने लगाया, बहुत लंबा छक्का था वो। इशुद उदाना ने 3 बॉल में 1 रन। नवदीप सैनी ने 12 बॉल में 12 रन, एक चौके मारा उन्होंने। मोहम्मद सिद्धार्थ ने 4 बॉल में 5 रन और ये चहल नॉट आउट रहे, 0 बॉल में 0 बना के। इस तरीके से पूरी आरसीबी की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 बना सकी और टीम को 59 रनों से हार मिल गई। दिल्ली कैपिटल्स ने मैच बहुत अच्छी तरीके से जीता और शायद आरसीबी को लगा होगा कि यार हम कुछ कर ही नहीं पाए, 59 रन बहुत होते हैं T20 के हिसाब से। अगर बात करें 50 से ऊपर का जब स्कोर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है और शायद 190 का टारगेट जो था वो बहुत ज़्यादा था 197 का, इस वजह से आरसीबी टीम कुछ उसके सामने कुछ कर ही नहीं पाई। कैसे दबाड़ा बॉलिंग की बात करें तो सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 4 ओवर 24 रन देकर 4 विकेट लिए। नौकिया ने 4 ओवर 22 रन देकर 2 विकेट। रविचंद्रन अश्विन ने 4 ओवर 26 रन 1 विकेट। अच्छा पटेल 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। इस तरीके से ये मैच कन्विंसिंगली मैच जीत लिया दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने और अपनी जो है बहुत अच्छी जीत दर्ज की, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो थोड़ी कमजोर मानी जाती थी जब आरसीबी सब मैच हुआ करता था, लेकिन इस सीजन उन्होंने 3 मैच जीते और अच्छी तरह से जीते, आरसीबी टीम को हराया। आरसीबी टीम मजबूत हुआ होती है और हर बार होती है क्योंकि ए बी डिविलियर्स चलते हैं या कोहली चलते हैं या एलन फिंच थे इस बार तो, लेकिन इस साल तो मैक्सवेल हैं, मैक्सवेल क्या कर पाते हैं आरसीबी टीम में तो ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।